Welcome to Pariksha Par 4.0. This year's session has been very special with new guests coming in and helping students, the exam warriors, their parents, and teachers with innovative ways to deal with this exam festival. Today we have Dr. Gitanjali Kumar, a psychologist, practicing counselor, trainer, parenting coach, and motivational speaker amongst us. she is a passionate person who believes in promoting well-being of individuals a keen learner involved in sharing her learning wholeheartedly with people all around let's hear it from her how she wants to introduce herself to you आप सभी, सभी सुनने वालों को देखे मेरा नमस्कार थैंक यू सो मच डियर इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने का सोच रही थी सिर्फ मेरे लिए कह रही हूँ सब कुछ चलिए सभी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं टीचर्स पेरेंट्स अभिभावक जो भी सब मुझे सुन रहे हैं एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं जब इम्तिहान की बात करें छोटा हो या बड़ा हो तो कहीं ना कहीं दिल की धड़कने तेज़ हो जाती हैं पर दिल की धड़कनों पे कैसे काबू किया जाए कैसे इत्मीनान किया जाए कैसे आराम से इम्तिहान की तैयारी की जाए कुछ पुरानी बातें कुछ अपने एक्सपीरियंसेस कुछ आज के लिए टिप्स कुछ जो मैंने आप सब से सीखे जाने हैं बस वही शेयर करेंगे आप सबके सवालों का इंतजार रहेगा चलिए जुड़ते हैं फिर से So ma'am, uh, you have been involved in this for the past twenty years of your life. Do you have any special moment which uh, when you realized that hey, this is your uh, specialty and this is why what made you help students for exams? Uh it's that's a very important, important question or yeah he seem अपने करियर चॉइसेस की तरफ थोड़ा सा फ़ोकस कर पाओगे क्योंकि जब मैं आपके जैसी बच्ची थी और स्कूल में पढ़ा करती थी तो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स कुछ आदतें कुछ रुझान कुछ इंटरेस्ट उस टाइम कैसे थे कि काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होना है कुछ करना है सोशल सर्विस करनी है तो इस तरह के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जुड़ना इस तरह की वॉल्टरिंग एक्टिविटीज़ में जुड़ना और फिर एक दो वर्कशॉप्स जो स्कूल में होती थी उनमें उनमें भी वैसा ही इंटरेस्ट कहीं नज़र आता था रोल मॉडल्स को ढूंढती थी इन इन टर्म्स ऑफ अ सीनियर स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ अ टीचर या कोई गेस्ट आते थे तो बस वहीं से प्रेरणा मिलती गई और इस चुनाव की तरफ ये मेरा चुनाव रहा तो ऐसा सा रुझान बचपन से ही मुझे अपने आप में नज़र आ रहा था और कहीं पर मैं कहूँगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी दैट माय पेरेंट्स एंड माय एक्सटेंडेड फैमिली आल्सो हेल्प्ड मी इन टेकिंग अप माय चॉइस इन टर्म्स ऑफ करियर्स एंड टाइम टू टाइम जो एक एडिकुएट गाइडेंस चाहिए होती है कि क्या इस रास्ते पे आगे कैसे चला जाए कहाँ पर लेफ़्ट लिया जाए और कहाँ पे राइट लिया जाए गूगल तो अब आया है गूगल मैप्स के तौर पे हमें गाइड करने के लिए लेकिन जीवन के रास्तों को हम सही तरीके से चल पाएँ और डेस्टिनेशंस पर पहुंच पाए उसके लिए माता-पिता अभिभावक बहुत जरूरी हो जाते हैं और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे उन सब का साथ मिला और उन सब के साथ के साथ मैं अपने विकास की ओर अग्रसर हो सकी really nice. आपने एज फैमिली थेरेपिस्ट काम किया है सो व्हेन यू कम अक्रॉस पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है ज्यादा काउंसिल की जरूरत है, तो है? देखिए फैमिली परिवार जो है वो एक यूनिट है जिसमें माता पिता बच्चे दादा दादी चाचा बुआ मामा जो भी घर में रहते हैं यहाँ तक कि घर में जो हेल्पर्स आते हैं या परमानेंट हेल्पर्स हैं या टेम्परेरी हेल्पर्स हैं उन सब का भी उस इकोसिस्टम पर उस वातावरण पर एक इम्पैक्ट आता है इन्फ्लुएंस आता है सो so, काउंसलिंग uh, की ज़रूरत तो सभी की रहती है पर हाँ काउंसलिंग किस तरह की नेचर ऑफ काउंसलिंग सबकी अलग हो जाती है कई बार हमें बच्चों को इस तरीके से गाइड करना पड़ता है कि बच्चे अपना पर्सपेक्टिव खुला कर सकें और कई बार हमें माता पिता को प्रोत्साहित करना पड़ता है कि वो बच्चों के को किस तरह की मदद दें बच्चों की मदद हर माता पिता करना चाहता है बट कई बार माता पिता को मालूम नहीं होता कि वो क्या करें और क्या ना करें तो काउंसलिंग की नीड तो पूरे परिवार की ही रहती है मैम स्टूडेंट्स uh, का ना कोविड के कारण बहुत ही uh, मनोस्थिति बहुत ही बदल गई है एंड दिस होल ऑनलाइन प्रोसेस उनको भी स्टूडेंट की तरह बैठकर उनके साथ पढ़ना पड़ता है तो ये जो चेंज आया है पूरा इससे स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं कम हुए हैं क्या असर हुआ है स्टूडेंट्स पर देखिए कोविड अपने आप में बहुत ही एक आकस्मिक घटना रही है और आज भी हम उससे जूझ रहे हैं बट ये अलग बात है कि दो सालों में हमारे जूझने की कैपेसिटी बढ़ गई है हमें हम उतने क्लूलेस नहीं हैं उतना लॉस ऑफ डायरेक्शन नहीं है काफ़ी हद तक हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में मालूम है तो उससे हम अपने आप को सक्षम महसूस कर रहे हैं आत्मविश्वास हमारा बढ़ गया है ये पॉजिटिविटी हमें दिख रही है लेकिन परि तरह से स्ट्रगल हमने देखी है कहीं पर माता पिता को साथ बैठना पड़ रहा था क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कहीं पर माता पिता चाह के भी साथ नहीं बैठ पा रहे थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम उन्हें समय ही नहीं दे रहा था कहीं पर माता पिता के पास नौकरी नहीं है तो वो नौकरी की आ, को ढूंढ रहे हैं या कैसे घर में आ, आ, रोट चूल्हा जलेगा रोटी आएगी वो इसकी चिंता में बच्चों का साथ नहीं दे पा रहे हैं तो डिफरेंट तरह की स्ट्रगल्स हुई हैं डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस को महसूस किया गया है और आज के दौर पे भी महसूस किया जा रहा है और बच्चों के लिए तो मुझे थोड़ी सी चिंता बस यही है कि बच्चे जो दो सालों से जिस तरीके से पढ़ाई करते आए हैं उसमें हल्का सा बदलाव हमने करना है और वो बदलाव के लिए अगर वो तत्पर हैं और प्रयास कर रहे हैं खासकर कि ये ऑफलाइन एग्जाम होंगे ऑनलाइन नहीं होंगे तो इस ट्रांजिशन को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस ट्रांजिशन के लिए अगर आप अपने आप को प्रैक्टिस में डाल रहे हैं तो फिर तनाव बहुत कम हो जाएगा वेरी नाइस मैम बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन में उनका बिहेवियर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट रहता है hmm. Hmm. और ऑनलाइन में देर इज़ मोर वेज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड या तो जब डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना रहता है और उनको समझाना रहता है कि काउंसिल करना हो कि भाई क्या सही है तुम्हारे लिए क्या गलत है एंड इट्स पेरेंटिंग जो कंट्रोल होता है एक वो उन किस तरह से दोनों के साथ डील करेंगे या समझाएंगे पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी देखिए पेरेंट्स के लिए तो मैं एक ही बात पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को जो भी बात आपने कहनी है उसको सैंडविच अप्रोच से कहिए पहले एक तारीफ बाद में भी तारीफ और सैंडविच के बीच में जो है हम लगाते हैं ना फिलिंग वो होनी चाहिए आपकी क्रिटिकल सजेशन द चीज यस चीज़ कह लीजिए वो टिक्की कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए पहले दो तारीफ़ें तारीफे हो, पहले एक तारीफ फिर बात एंड में तारीफ और बीच में आपका क्रिटिकल सजेशन अब आप वो जो क्रिटिसिज्म उन्हें दे रहे हैं क्रिटिकल सजेशन दे रहे हैं एडवाइस दे रहे हैं उसको जितना घोल के मीठा बना के देंगे उतना फायदेमंद रहेगा बच्चों को ब्लेमिंग और नैगिंग मत कीजिए कि आप ये नहीं करते तो मैं पहले समझाया था तुम कभी भी मेरा कहना नहीं मानते मतलब वो जो घर में भी मैं सुनती हूँ आज का बच्चा बच्चा जानना चाहता है कि वो क्यों करे जो करने के लिए कहा जा रहा है या वो क्यों ना करे जो उसका मन कर रहा है और हम नहीं चाहते वो करे तो बच्चों को वजह जरूर बताने की कोशिश कीजिए इसके लिए पहले अगर हमें होमवर्क करना पड़ता है हमें अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ता है हम बढ़ाएंगे हम चाहते हैं कि वो फला चीज देखें और फला चीज ना देखें तो उसकी वजह उन्हें बतानी होगी और एक बात और इसके साथ मैं कहना चाहूंगी टीचर्स को और पेरेंट्स को एज अप्रोप्रिएट तरीके से बात की जाए आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले चौदह पंद्रह साल के किशोर बच्चे को आप उस तरीके से नहीं समझा सकते जिस तरीके से आप आठ साल के बच्चे को समझाते हैं सो तो आपकी शब्दावली क्या होगी आपका अंदाज क्या होगा आज के बच्चा दोस्ताना अंदाज चाहता है दोस्ताना अंदाज बन रखिएगा दोस्त मत बनिएगा क्योंकि दोस्त उनके पास अनगिनत होते हैं लेकिन माता पिता एक होते हैं टीचर एक होती है दोस्तों से याद आया मैम प्योर प्रेशर के कारण बहुत कुछ होता है जो बच्चे कुछ कैसी किसी और दिशा में जाना चाहते हैं लेकिन कोई और दिशा पकड़ लेते हैं टेंथ और ट्वेल्थ के टाइम अक्सर ही होता है मेरे साथ भी ये हुआ था स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस तो यू माइट नॉट डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन या जो तुम्हारा एप्टीट्यूड है यू माइट एंड अप फॉलोइंग द हर्ड कि चलो सब वहाँ जा रहे हैं तो हम भी ये करेंगे तो इसको कैसे टैकल करना चाहिए पेरेंट्स को देखिए पेरेंट्स को बच्चा क्यों चाहता है जो चाहता है अगर बच्चा अपने दोस्तों से सुन के आ रहा है कि सब लोग फार्मेसी में जा रहे हैं मैं एक, एक उदाहरण के रूप से कह रही हूँ तो मुझे भी फार्मेसी में जाना है। बच्चे की बात को एकदम से काटिए मत सुनने की क्षमता बढ़ानी होगी सुनने का कौशल हम में आना चाहिए कि हम बच्चों की बात को सुन सके और बच्चा जो कह रहा है हम उसको सुनते हैं और बच्चा जो नहीं कह रहा बच्चे की चुप्पी जो कहती है जो दो लफ्जों के बीच का जो पॉज है उसमें भी बच्चा कम्युनिकेट करता अगर हम उसके उस संवाद को सुन पाए और समझ पाए ये तो रहा एक बात दूसरी बात यह है कि बच्चे को आप उस डायरेक्शन में क्यों नहीं जाने देना चाहते वो जान वो उसको समझाने की कोशिश कीजिए तीसरी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो बच्चों के लिए है कि बच्चे अपने आप को जान और पहचान पाए सारा बदलाव जो है वो अंदर से शुरू होता है जगह अगर हम अपने आप को नहीं जानते तो मुझे क्या पसंद है ये नहीं मालूम तो मैं आगे क्या करूँगा मैं कैसे जान पाऊँगा क्योंकि मैं पेशे से एक मनोवैज्ञानिक हूँ तो मेरे पास एक एडल्ट ही मैं कहूंगी क्योंकि वो 26 साल की महिला है वो मेरे पास आती है सेशंस लेने के लिए तो वो मुझसे कहती है मैं जीवन में खुश नहीं हूं मुझे खुशी चाहिए लेकिन मुझे ये नहीं पता कि खुशी मुझे किस में मिलेगी आप सोच के देखिए कि खुश रहना चाहती हूँ खुशी चाहती हूँ लेकिन खुशी किस में मिलती है मुझे ये मुझे नहीं पता तो अब हमने उनके साथ अगले सेशन में यही गोल तय किया है कि चलो मिल के ढूंढेंगे कि तुम्हें खुशी किस में मिलती है सो so बच्चों मैं इस एन के इस माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने आप को जानने पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप अंदर से हैं क्या आपके इंटरेस्ट क्या हैं आपके रुझान क्या हैं आपकी रुचि क्या है आपको खाली समय में क्या करना पसंद है आप क्या चीजें प्रेफर करोगे जीवन में आपका जीवन के बारे में एक सपना क्या है उस स्वप्न में आप अपने आप को पांच साल के बाद कहाँ देख रहे हो दस साल के बाद कहाँ देख रहे हो किस शहर में बसना चाहोगे किस नगर में बसना चाहोगे किस देश में बसना चाहोगे बच्चे वो कहते हैं ना सपनों की लंबी उड़ान भरो सपनों की लंबी उड़ान के साथ अपनी जड़ों को मजबूती देते हुए अपने अंदर का ज्ञान भी रखिए ये ज्ञान और विज्ञान दोनों का से जब आपके पास होगा तब आप अपने लिए सही मार्गदर्शन कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ कि आपको किन करियर्स का चुनाव करना चाहिए क्योंकि करियर का चुनाव आपके कौशल आपकी रुचि आपका रुझान इनके बेसिस पर होगा मैम परीक्षा पे चर्चा इवेंट जब हुआ था तो आई वॉज प्रिवलेज टू गो टू नवयुग स्कूल एंड वॉच इट लाइव विद द पी एम वहीं से एक सत्यम जी हैं नव नवोदय स्कूल से उनका प्रश्न आया है बच्चों को गणित विषय से घबराहट होती है परीक्षा के समय बच्चे गणित के फॉर्मूला से घबराते हैं इस घबराहट को किस तरह दूर किया जाए देखिए मैं हमेशा कहती हूँ टू मीट टू बीट द फियर मीट द फियर एंड ग्रीच द फियर सो so, जिस चीज से हमें डर लगता है उससे दोस्ती करनी होगी थोड़ा थो, थोड़ी थोड़ी रोज रोज तो हम गणित को अगर रोज रोज करेंगे कराने वाले मतलब अध्यापक गण ट्यूटर्स माता पिता हवा बना के ना मैथ्स को पेश करें गणित को हवा मत बनाओ कि गणित में नंबर अच्छे आने चाहिए गणित में ही सौ मिलते हैं इसलिए गणित को अच्छे से तैयार करो सबसे पहले ट्यूशन गणित की लगाएंगे तो हवा तो बना रहेगा सो अगर हम उसको डिसेंसिटाइज कर सके बच्चों के साथ अगर हम उनके साथ बैठ कर कि चलो भाई तुम पहले सोशल साइंस कर लो तुम्हें हिस्ट्री अच्छी लगती तुम हिस्ट्री से शुरुआत करो हिस्ट्री के चार आंसर्स लर्न कर लिए उसके बाद आधा घंटा गणित करेंगे आधा घंटे घंटा गणित के बाद आप उन्हें खेलने के लिए भेजते हैं ब्रेक दे देते हैं उसके बाद वो फिर गणित को आधा घंटा करते हैं मतलब अगर ब्रेक्स में करेंगे अगर उनको आ, आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे और हर बच्चा गणित में आ, सौ बटा सौ नहीं लाएगा कुछ बच्चों की न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होती है न्यूमरेसी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं वो बच्चे गणित में सौ बटा सौ लाने लायक हैं वो लाएंगे भी लेकिन जो बच्चा गणित में सौ नहीं लाता वो जीवन में कुछ भी नहीं करेगा ऐसा बच्चों को संकेत नहीं मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली हम बड़े अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि हम बच्चों को ये संकेत देने लग जाते हैं कि जीवन में गणित के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है मैं खुद आपके सामने एक ऐसा प्राणी बैठी हूँ जिसके नाइन्थ टेंथ के प्री बोर्ड में गणित में चौदह नंबर थे सौ में से यस yes, बहुत जोर के झटका लगा था और बहुत जोर के लगा था उसके बाद एक अच्छे ट्यूटर के साथ बैठ के पढ़ाई की गई जिन्होंने मेरा डर निकाला वो दिन में मेरे पास तीन बार मुझे पढ़ाने आते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा काम कराते थे एल्जबरा के फॉर्मूले इतने प्यार से रटवाए फ्लैश कार्ड बना के मेरे कमरे की दीवार लाल पीली नीली हरी हो गई थी ये जो आप फ्लैश कार्ड ये आप देख रहे हैं ना गुलाबी रंग का कागज़ ये पीले में भी आता है हरे में भी आता है और मैं स्केच पेन से इसके ऊपर फॉर्मूले लिखा करती थी एल्जबरा के फॉर्मूले लिखती थी मैंसोरेशन के फॉर्मूले लिखती थी जोमेट्री के फॉर्मूले लिखती थी सिम्प कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले लिखते थी cpsp पता नहीं सब कुछ वो मुझे लिखवाते थे और पूरा कमरा भर गया था मैथ्स के फॉर्मूलों से लेकिन सोते जागते नहाते धोते कपड़े पहनते हर दमें वो नजर आते थे मतलब घर की दीवारें कमरे की दीवारें भी विजिबल रिमाइंडर्स बन चुके थे तो डर खुद ब खुद भाग गया लेकिन खुद ब खुद लगता है भागा लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत की सो मीट द फियर greet द फियर टू बीट द फियर दैट्स अ वेरी नाइस मंत्रा फॉर यॉल So, प्रश्न दो ये है कि बच्चों द्वारा एस विषय में कम अंक प्राप्त होते हैं इतिहास में आंदोलन व आंदोलन की तिथि को किस प्रकार से याद करें वह इस विषय में एस विषय में अपने नंबर किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं डेट्स को रिमेंबर करना हम एक गाने याद रहते हैं है ना जो गाने हमें बहुत पसंद होते हैं हमें याद रहते हैं क्योंकि हम उन्हें बराबर से कई बार गुनगुनाते हैं तो क्या हिस्ट्री के डेट्स को कई बार गुनगुनाया जा सकता है जो चीज़ बार बार गुनगुनाई जाएगी बार बार रिवाइज़ की जाएगी वो याद रहेगी अगर आप उसको म्यूजिकल फॉर्म में कर लेंगे पोइट्रिक फॉर्म में कर लेंगे तो याद रहेगी और जैसा मैंने अभी आपसे बनाया कि बताया कि अगर आप फ्लैश कार्ड्स बना लेंगे और उन फ्लैश कार्ड्स को दीवारों पर लगा देंगे तो बिना किसी एफर्ट के बिना किसी मेहनत के आपको नजर आते रहेंगे रिमाइंडर के तौर पे आपके दिमाग में रेकनिंग रहती रहेगी तो इस तरीके से आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी आप यकीन मानिए कि मैंने हिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर लिए थे और नंबर अच्छे लेने के पीछे की यही एक राज था कि मैं बार बार गुनगुनाती थी हिस्ट्री को और कुछ समझ में नहीं आता था तो भग, घर के सामने बगीचा था उसमें बैठ जाती थी तो कभी अमरूद के पेड़ को हिस्ट्री के नोट सुनाती थी तो कभी मैं घास के साथ बैठ के हिस्ट्री के नोट सुनाती थी सूरजमुखी जैसे जैसे घूमता था सुबह से लेकर शाम तक उसकी डायरेक्शन बदलती थी मैं उस डायरेक्शन के अनुसार उसके साथ घूमती हुई उसको हिस्ट्री के नोट सुनाती थी मतलब ऐसा 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 अपियर कराती थी अपने आप को कि ये मेरे को आता है तुम सुन लो मुझसे जितना आप किसी को पढ़ाएंगे सुनाएंगे किसी के साथ डिस्कस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अगर आप दिन में कुछ समय लर्न करने को देते हैं तो कुछ समय रिवाइज करने के लिए दीजिए कुछ समय शेयर करने के लिए दीजिए दोस्तों के साथ इस तरह का अगर आप पाठ्यक्रम डिवाइस कर लेते हैं कि तुम चैप्टर वन करना तुम चैप्टर टू और तुम चैप्टर थ्री और आप तीनों मिलकर गोष्ठी करते हैं जिसमें अपनी अपनी लर्निंग्स को शेयर करते हैं तो आपका एक ही समय में एक चैप्टर की रिविजन के साथ साथ तीनों रिवाइज हो जाएंगे तो सबका विकास सबके साथ होगा सो so, विवेक जी आई होप ये मंत्र आपके लिए काम आएगा और ये सूरजमुखी वाला ना आई कुड एक्चुअली पिक्चर यू मस्ट बी लुकिंग सो क्यूट डूइंग दैट तब मैं दसवीं के एग्जाम में भी दे रही थी और बहुत डर था मेरे मन में बट ये मुझे ट्रिक मेरी नानी ने सिखाई थी और वो बहुत काम आई सो so नानी दादी के टोटके तब भी काम करते थे और आज भी काम करते दादी माँ के नानी माँ के मुझके हमेशा काम करेंगे प्रश्न तीन आया है निहाल जी का परीक्षा के समय परिवार व माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करें जिससे बच्चे एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी परीक्षा दें पॉजिटिव एटमोसफेयर के लिए देखिए प्रोत्साहित करने के लिए तो यही मैं कह पाऊंगी कि जीवन अपने आप में कितना बड़ा इम्तिहान है उस इम्तिहान में हमारी दसवीं की परीक्षा या बारहवीं की परीक्षा एक छोटा इम्तिहान है इट्स अ सीरीज़ ऑफ एग्जामिनेशन ऑल आर लाइफ सो हम इस छोटी इम्तिहान को आराम से इतमान से दें आगे और इम्तिहान भी देने हैं और बारहवीं का इम्तिहान देते समय यह सोच लें कि एक पास पास कर लिया था तो ये भी हो जाएगा सो so, अपने मन का जो विश्वास है वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा परीक्षा को पर्व की तरह उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें ये ये एक मंगल कामना मैं सबके लिए कर रही हूं लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे लिए ये कामना करना आसान है आपके लिए इस कामना को एक्चुअलाइज रियलाइज करना बड़ा मुश्किल है लेकिन मुश्किल काम भी आसान बन जाते हैं जब मन में एक सोच जन्म लेती है जब वो सोच जन्म लेती है तो वो सोच जो है आपको प्रोत्साहित करती है कि आप उसके लिए एफर्ट्स करें और जब आप एफर्ट्स करते चले जाते हैं तो वो एफर्ट्स से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है एग्जामिनेशन जो आप बोर्ड के देंगे ये आपके जीवन की पूरी गति नहीं तय करता है ये आपके जीवन के पूरे फैसले नहीं कर रहा आगे भी विभिन्न अपॉर्चुनिटीज आएंगी जब आप अपने अपने अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं अपनी चॉइसेस बदल सकते हैं या अपने फ्यूचर का, का एक नव निर्माण कर सकते हैं तो एग्जाम्स एंड नहीं है एग्जाम्स एक न्यू बिगनिंग्स हैं अगर आप एग्जाम्स को न्यू बिगनिंग्स की तरह दे, मैं देखेंगे और महसूस करेंगे तो डर काफी मात्रा में कम हो जाएगा ये मैं अश्योर करती हूँ थैंक यू सो मच मैम सो अनदर क्वेश्चन hello all, i'm a parent and i work in an mnc in gurugram. i work from home and my, my, my wife is working too during covid-19, irrespective of the fact that we are at home. we just can't give appropriate time to our children. i'm sure a lot of us face that. we are busy in work and our children in online studies. these circumstances have led to behavioral changes among us. There are, most of the time we are irritated, anxious about work. so please suggest some tips for this. होता है साथ में जब रहते हैं जी बिल्कुल रहता है और कोविड में हमने ये देखा है कि परिवार आ, में जो रिश्ते हैं वो धागों की तरह उलझने लग गए क्योंकि धागे जब बहुत करीब आ जाते हैं तो अक्सर उनमें गांटे पड़ जाती हैं तो एक सेफ डिस्टेंस बड़ा जरूरी है और जब घर के बीच में हम रह रहे हैं सब लोग तो सेफ डिस्टेंस कैसे लेंगे इसके लिए एक स्ट्रक्चर रूटीन होनी बड़ी ज़रूरी है रूटीन जो जिसमें सारा परिवार जुड़ता है और जो इंडिपेंडेंटली सभी मेंबर्स अपने लिए अलग अलग करते हैं सो so, सुबह आप अपने लिए एक्सरसाइज का रूटीन रखते हैं वॉक का रूटीन रखते हैं ब्री योगा एक्सरसाइज का रूटीन रखते हैं आप रखते हैं आपकी पत्नी रखती हैं बच्चे उठ के क्या करते हैं सबके लिए ड्यूटीज़ डिवाइडेड हैं तो सब घर के काम में भी एक साझेदारी कर रहे हैं एक भागीदारी दे रहे हैं सो दैट मैनेजिंग दी हाउस ऑल्सो बिकम्स अ ज्वाइंटेड एफर्ट बड़ा ज़रूरी है बच्चों के अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना क्योंकि सब चीज़ें उन्हें आराम से मांगने पर मिल जाएंगी मांगने भी क्या ऑर्डर करने पर मिल जाएंगी नहीं बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है बच्चों को कर्मठ बनाना है बच्चों को परिश्रमी हमने बनाना है तो आप अपना काम कर रहे हैं बच्चे अपना काम कर रहे हैं हम सब मिलकर घर का काम भी कर रहे हैं घर का काम भी उतना इंपॉर्टेंट है चाहे पत्नी जॉब करती हैं या पत्नी सिर्फ घर संभालती हैं सिर्फ घर संभालने की सोच नहीं होनी चाहिए घर अपने आप में पूरे एक बहुत बड़ा काम है जिसको वो करते हैं सो होम मेकर के काम को अगर हम पूरी निष्ठा के साथ अंजाम देते हैं और उसको पूरी रिस्पेक्ट देते हैं तो बच्चे भी उसमें जोड़ते हैं फिर हम अपने वर्किंग स्केड्यूल में कैसे मैनेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग आउट टाइम क्या हम खाना सब मिलके खाते हैं दोपहर का खाना अलग अलग समय पर खाते हैं तो क्या हम रात का खाना एक समय पर खाते हैं और रात के खाने के साथ क्या हम टेलीविज़न की दोस्ती भी निभाते हैं नहीं टेलीविज़न की दोस्ती अलग से निभा लीजिएगा खाने के साथ जस्टिस कीजिए खाने बनाने वाले के की मेहनत को आज सत्कार करिए सिर्फ खाना खाइए खाने को इंजॉय कीजिए हल्की फुल्की बातचीत कीजिए जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं फैमिली के लिए उन पर विचार विमर्श खाने के साथ मत कीजिए फिर खाने के बाद आपका टहलने का टाइम है घर में कनेक्टिविटी के लिए क्या हमने कुछ बातचीत का समय रखा है हम सब आधा एक परिवार है जो मुझसे मिलने आता है वो मुझसे कहता है हम लोग सब आधा घंटा बैठते हैं इकट्ठे और उसमें क्या करते हैं शाम को बड़े बच्चे हैं 23 साल की बेटा है और 25 साल की बिटिया है माता-पिता हैं वो सब आधा घंटा प्रेयर करते हैं शाम को तुलसी के आगे दिया जलता है मंदिर में दिया जलता है आरती की जाती है कोई ना कोई एक कपलेट रामायण का महाभारता का वो घर का हर प्राणी सुनाता है उस पर डिस्कशन होती है थर्टी मिनट्स वो फैमिली स्पेंड करती है सो so, हमारे अगर कुछ फैमिली रिचुअल्स हैं पंद्रह मिनट बीस मिनट दस मिनट कुछ भी लूडो खेलते हैं कैरम बोर्ड खेलते हैं बैडमिंटन खेलते हैं अब तो इतने सारे इतनी सारी रोक टोक भी नहीं है तो हम उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ रूटीन्स ऐसे बनाएं कि कुछ फैमिली रिचुअल्स हैं कुछ कपल रिचुअल्स हैं और कुछ सेल्फ प्रैक्टिस हैं सो so, हर व्यक्ति को अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें निभानी होगी तब आप बिहेवियरल चेंजेस को काफी हद तक मैनेज कर पाएंगे और कभी कभी अगर बच्चों का कोई आउटबर्स्ट आ गया है या बच्चे ने जिद पकड़ ली है तो जिद का जवाब जिद के साथ नहीं होता हमें कूल ऑफ टाइम देना होगा हमें डिफ्यूजन टाइम देना होगा हमें कमरे से बाहर चले जाना होगा अगर बच्चा हमारी बात को नहीं समझ रहा या बच्चा बहुत टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो बच्चे को ठंडा हो जाने दीजिए आधे घंटे बाद दो घंटे बाद अपनी बात उनसे कहिएगा दैट्स रियली really, uh, very good uh, instructions to follow, ma'am. Ma'am, uh, exam warriors एक book आई है प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के लिए specially बनाई है. आपने इसके बारे में सुना है कुछ आपके विचारन के बारे में मैं डेफिनेटली जब से वो किताब आई है आज अब मेरे ख्याल इसका तीसरा ये चौथा पांचवा साल है उस किताब का मुझे एग्जैक्टली exactly तो याद नहीं है बट पहले साल से मैं उस किताब को देख रही हूँ उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को करने के लिए कि मुझे फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है चलो मैं लिस्ट कर लूँ मेरे दोस्त की क्या ख़ूबियाँ मुझे पसंद है मैं वो नोट करके उसको एक कार्ड भेज दूँ जब मेरे दोस्त का मन भारी हो रहा है जब मेरा दोस्त तनाव में आता है तो वो वो कार्ड पढ़ लेगा तो आप दूसरों को खुशियाँ बांट रहे हैं किस तरीके से आप अपने मन की बात किसी को कह सकते हैं क्या चीज़ आपको परेशान करती है आप उसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं मैं इस बार का परीक्षा पर जब परीक्षा पे पर चर्चा प्रधानमंत्री जी कर रहे थे तो मैं भी सुन रही थी उसको उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे किस चीज़ से परेशानी होती है मेरे क्या ट्रिगर्स हैं क्या मैं इसका लेखा जोखा बना सकता हूँ तो उसका लेखा जोखा बनाना बड़ा ज़रूरी है उसका एक फॉर्मेट है जो इस किताब में दिया है तो कुल मिला के ये किताब जो है परीक्षा की चर्चा के नाम से चल रही है लेकिन सिर्फ परीक्षा पे चर्चा नहीं करती है ये जीवन को आप उत्तम कैसे बना सकते हैं जीवन के लिए उत्तम शैली आपकी कैसे बनेगी आपको ऐसा कौशल भी ये किताब सिखलाती है सो बहुत अच्छी किताब है आ, मैं यकीन मानती हूँ कि हमारे आज के बच्चे बहुत खुश नसीब हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको प्रधानमंत्री से भी ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है कि वो अपने इतनी बिजी रूटीन में से समय निकालते हैं और अनगिनत बच्चों के साथ दो घंटे से ज़्यादा समय जुड़ते हैं इतनी पेशेंस के साथ कि वो एक-एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और बच्चे पूरे देश से नहीं विदेश से भी जुड़ रहे हैं उसमें जब मैं परीक्षा पे चर्चा देख रही थी हम सोच रहे थे हमारे टाइम पर ऐसा कुछ क्यों नहीं, नहीं, नहीं था, था। <laughs> मैम जनरली देखा जाता है कि एग्जाम्स जब पास आ रहे होते हैं तब स्ट्रेस लेवल एक अलग सीमा पर चला जाता है तो अगर किसी ने सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ भी है तो स्ट्रेस के कारण परफॉर्मेंस प्रेशर एक होता है एग्ज़ाम देते वक्त तो परफॉर्मेंस प्रेशर को कैसे वो लोग डील करेंगे इसका भी बहुत अच्छे से जिक्र इस आ, इस बार की परीक्षा पे चर्चा पे उन्होंने किया था प्रधानमंत्री जी ने मैं वहीं से आ, कुछ लाइंस उठाने की कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल उनकी शैली तो नहीं बोल पाऊँगी पर जो मुझे समझ में आया और जो मैंने याद रख पाई उसकी बात करती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को ये ए, याद कराना है कि ये मैंने पढ़ा था ये सब मैंने याद किया है मेरे सो मेरे हिस्ट्री में दस चैप्टर हैं दस के दस चैप्टर मैंने याद किए हैं मैंने लिख के भी देखे मैंने प्री बोर्ड भी दिया था मैंने ट्यूशन पे भी चार टेस्ट दिए मुझे सब कुछ आता है तो बार बार से हम इतमान करते हैं बार बार से हम रिमाइंड कराते हैं अपने आप को जो गलतियां मैं अक्सर करती हूँ मैं उनको दोबारा से देख लेती हूँ और इस तरीके से मैं अपने तनाव को कम करती हूँ और वो कहते हैं ना सांसों के आने जाना में सांसों की माला में मैं यही पिरोती हूँ ये विश्वास कि मैंने अपनी तैयारी अच्छे से की है सो आई ब्रीद इन कॉन्फिडेंस एंड आई ब्रीद आउट कॉन्फिडेंस आई रेली ब्रीद इन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की मैंने तैयारी की है अच्छे से एंड आई ब्रीद आउट कॉन्फिडेंस कि मैं एग्जाम भी अच्छे से लिख के आऊंगी सो so, अगर हम इस तरीके से ब्रीद इन कॉन्फिडेंस और ब्रीद आउट कॉन्फिडेंस कर पाएंगे तो हमें वो जो लास्ट मिनट एग्जामिनेशन एग्जाइटी रहती है वो भी नहीं होगी लेकिन साथ में मैं ये गारंटी नहीं देती कि एग्जाम के चौदह के चौदह सवाल तुम्हें आएंगे प्रश्न पत्र में कभी कोई ऐसा सवाल भी हो सकता है जो एकदम से तुम्हें नहीं आता इतमान से बैठो जो आते हैं उनको करो बार बार बारहवें सवाल पे जाओगे सोचते हुए कि बारहवें में क्या लिखूं अरे जब बारहवें पे पहुंचेंगे तो सोच लेंगे पहले ग्यारह तक तो इतमान से लिख लो ग्यारह इतना बढ़िया से करोगे कि बारहवा आधा अधूरा भी छोड़ोगे तो उसकी कॉम्पनसेशन भी हो जाएगी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता जितना हमारे हिस्से का आसमान है उतना तुम तो मुठ्ठी भर के ले लो तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम करोगे चाहे भूगोल का हो चाहे इतिहास का हो चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे बायोलॉजी का हो सो बेबी स्टेप्स लेना होता है वन स्टेप एट अ टाइम वी हैव अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम माई लाइव ऑडियंस चिल्ड्रन फील कन्फ्यूज ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड गेट डिस ओरिएड सो वॉट टू डू टू स्टे फोकस्ड प्रिंस फ्रॉम मोतिहारी वॉन्ट्स टू नो टेक वन थिंग एट अ टाइम पहले कौन सा एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो या अभी बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दिए तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो अगर मैथ्स को पढ़ गणित को पढ़ रहे हो तो गणित पे सोचो फिर भूगोल पे नहीं जाना है तो कहीं ना कहीं आपको कंपार्टमेंटलाइज करना सीखना होगा बच्चे कि पहले जिसको पढ़ रहे हैं जिसका काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करेंगे जब विचार जो है ना हमारे इधर उधर दौड़ते हैं तो विचारों को संभालना मुश्किल हो जाता है तो कोशिश करो विचारों की सुनामी को थाम लो बांध बांधना सीखो और बांध बांधने के लिए अपने आप को ये कहना पड़ता है अभी ये काम अभी बस यही काम अभी इधर ही सोचना है अभी यही करना है अब भूगोल का क्या होगा जब भूगोल की तैयारी पे आऊँगा तब सोचूंगा ना अभी क्यों अभी तो फिर मैं गणित की तैयारी कर रहा हूँ सो कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत उत्तम तरीका है दूसरा होता है कि जब आपने कुछ लर्न कर लिया रिवीजन कर लिया उसका छोटे छोटे से टेस्ट दे लो ट्यूशन पे टेस्ट दे लो नेट से कुछ निकाल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो वर्कशीट्स आपको मिलती हैं वो कर लीजिए मतलब जो पॉसिबल आपको एक रिसोर्स मिलता है जिससे कि आप अपनी लर्निंग को शोकेस कर सकें कि ये आ गया ये अभी अधूरा आता है और ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता ये मैं भूल गया या ये टॉपिक मैंने देखा ही नहीं सो so, इस तरीके से जब आप वो कहते हैं ना वार्म अप राउंड्स करते चले जाते हो तो वार्म अप राउंड्स जो हैं आपको लास्ट रेस के लिए बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हैं सो वार्म अप्स की इंपॉर्टेंस को प्लीज़ मत भूलिए दैट्स अ वेरी नाइस टिप मैम लेकिन होता क्या है ना कि एग्जाम uh, जब तुम लिख रहे होते हो लास्ट के जो फिफ्टीन मिनट्स होते हैं ना सडनली ब्रह्म ज्ञान आता है सब कुछ याद आ जाता है <laughs> तो जो भूल गए थे वो भी याद आ जाता है तो अब सपोज बहुत सारा कुछ बच गया है बट अब याद आ गया है बट अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कवर एवरीथिंग इज इट बेटर टू अटैम्प्ट क्वेश्चन जो तुम्हें अच्छे से आता है वो या सारे क्वेश्चन को थोड़ा, थोड़ा कुछ लिख दो मार्क् के हिसाब से डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स कितने जो तुम्हें आता है वो तो लिखो और जो जो जहाँ पर तुम्हें आधा आता है तुमने जगह छोड़ी है जहाँ तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तुमने उसकी भी जगह छोड़ी है या तुमने सोचा था बाद में कर, करूंगा और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आ गए तो कोशिश करो कि फ्लो चार्ट्स के तौर पर कर लो वन डायग्राम्स के पॉइंट पे कर लो बुलेट पॉइंट्स पे कर लो डिटेलिंग मत लिखो जो कम समय रह जाता है तब आपको बुलेट पॉइंट्स पे फ्लो चार्ट्स के हिसाब से चलने में फायदा रहेगा टेबल्स बना के फटाफट से की पॉइंट्स लिख लो अब क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट तो फट से टेबल बना लो वेन डायग्राम बना लो जिसमें आपने सर्कल्स बड़े सर्कल के हिस्से में सिर्फ डिस्टिंक्ट फीचर्स लिखे जो कॉमन फीचर्स हैं वो बीच वाली पोर्शन में लिखे तो इस तरीके से आप सिर्फ पॉइंटर्स भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे सो so, चिल्ड्रन एक बात जो बच्चों में आपसे कहना चाह रही हूँ वर्क की अपनी इंपॉर्टेंस होती है स्मार्ट वर्क की अपनी इंपॉर्टेंस होती है हार्ड वर्क से शुरुआत करते हैं और स्मार्ट वर्क पर ख़त्म करते हैं विश मैं पहले आपसे मिली होती जब मैं एग्जाम दे रही थी मेरे काम आता रमेंद्र फ्रॉम ओराई उत्तर प्रदेश ने पूछा है कई विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर होती है उनकी तो बोर्ड के समय ऐसी कौन सी गतिविधियां करने पर उनकी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव हो सकती है कुछ एक्सरसाइजेज हैं या टिप्स अगर आप वो जो मोबाइल नाम का छोटू है ना उससे थोड़ा दूर रहेंगे टेलीविजन पे कम समय देंगे लैपटॉप की स्क्रीन से दरा दूर रहेंगे सारी मोबाइल गेम से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करेंगे और एक्चुअली में खेल कूद करेंगे दौड़ने वाला भागने वाला चलने वाला साइकिल चलाने वाला गेंद से खेलने वाला ये पहला टिप है दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में पढ़ाई करो पैंतीस चालीस मिनट के ब्लॉक में पढ़ो और पैंतीस चालीस मिनट के ब्लॉक में एक टास्क भी नियंत्रण करके पढ़ो कि मैं 40 मिनट में ये दो सवाल लर्न करूंगा मैं ये लिख के देखूंगा ताकि आप अपने स्पीड को मॉनिटर कर सकें तीसरी बात यह है कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ के देखिए लाइन से अंडरलाइन करके पढ़ के देखिए आपने आधा घंटा पढ़ा है तो अपने आप को पूछो कि मैंने क्या पढ़ा है दीवार को सुना दो मम्मी को सुना दो कुर्सी को सुना दो छोटे बहन भाई हैं दादा दादी बड़ा आपका साथ देंगे उनको तो आपका साथ वैसे भी अच्छा लगता है किसी भी रूप में मिल जाए दादाजी मैं आपको अभी दो घंटे के बाद आ रहा हूँ और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुनाऊंगा दादाजी इंतजार करेंगे अखबार छोड़ के बेटे आपकी बात सुनेंगे आपने जो भूगोल में पढ़ा था जो केमिस्ट्री में पढ़ा था उनको जाके सुना दो जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस वो सुन लेंगे मेटलर्जी के सारा नोट्स आपका सुन लेंगे थर्मोडाइनमिक्स भी सुन लेंगे चाहे उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है लेकिन वो आपकी पढ़ाई में आपका योग आपना योगदान दे रहे हैं आपकी मदद कर रहे हैं उनको कितनी प्रोडक्टिविटी की फीलिंग आएगी वो इम्पोर्टेंट हैं वो कुछ कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट उन्हें ये एहसास होगा जो आपसे मिलेगा और आपको उनका साथ मिलेगा और इससे दोनों का भला होगा तो इस तरीके से कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के ये तीन चार तरीके जो मैंने आप लोगों को बताए हैं इसकी कोशिश कीजिए जब किसी को सुन रहे हो तो अपनी उंगलियों को इस तरीके से लॉक करके बैठो ध्यान लगता है ये सिंपल इस तरह से फिंगर्स को नहीं मैंने बंद किया मैंने उल्टे हाथ से किया है ये जो लॉकिंग है ना इससे थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है लेकिन अगर आप जब लेक्चर सुनते हैं तो इस तरीके से बैठेंगे तो कंसंट्रेशन लगी रहती है ये टेस्टेड एंड ट्राई टेक्निक है इसको ट्राई करो लर्निंग अच्छी होगी जब आप सुन रहे हैं सुनने की कैपेसिटी बढ़ती है आई थिंक आ लाइव ऑडियंस शुड ट्राई दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन देखते हैं कि आपको पहले हाफ का सेशन याद रहता है या रेस्ट ऑफ द सेशन ज़्यादा याद रहता है Another life question we have, ma'am. If children children? are are in in stress stress and do not tell to 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 parents or anyone else, what are the signs to identify stress in children? Neha Bansal from Delhi wants to know. I think आपने जो कहा था को सुनना। ये की बात रहेगी बच्चे के मन में इतना अंतर द्वंद है और वो अपना द्वंद्व किसी से कह नहीं पा रहा है और जब बच्चे अपनी बातें किसी से कह नहीं पाते हैं तो उसके लक्षण उनके इर्द गिर्द उनके हाव भाव में उनकी आ, शैली में नजर आते हैं और वो क्या है नींद का कम हो जाना या ज़्यादा आना खाने की जो उनका पैटर्न है उसमें बदलाव ज़्यादा खाना कम खाना मूडी हो जाना खिंचने लग जाना गुस्सा करना बातचीत नहीं करना दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देना या जो प्रियजन उन्हें अच्छे लगते हैं उनसे बात नहीं करना चुप रहना अपने आप में रहना किसी से बातचीत ना करना कई बार तो बच्चे नहाने धोने की भी अपनी आदतों में कमी ले लेते हैं कपड़े नहीं बदलते हैं तेल नहीं लगाते हैं नहाते धोते नहीं हैं हफ्ता हफ्ता नहीं नहाते तो ये कुछ इस तरह के साइंस हैं जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बच्चा शायद सैड है बच्चा शायद डिस्ट्रेस में है अब इस डिस्ट्रेस को समझना हमारे लिए ज़रूरी है इस डिस्ट्रेस में हमें स्ट्रेस नहीं लेना है ये बच्चे का स्ट्रेस है जो शायद डिस्ट्रेस बन रहा है क्योंकि बच्चा अपना स्ट्रेस शेयर नहीं कर रहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम बताते क्यों नहीं हो तुम बताओ हम बैठे हैं ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लफ्ज़ यही रहेंगे अल्फाज यही रहेंगे लेकिन इन इन अल्फाजों को, को इस्तेमाल करने वाली जो आपकी टोन रहेगी जो आपका लहजा रहेगा वो बच्चों को ये बात का संकेत देगा कि आप उन्हें सुन रहे हैं आप उनको सुनना चाहते हैं वो इम्पोटेंट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं देखिए बच्चे अक्सर हमसे जब बात करते हैं ना या करना चाहते हैं तो उनका पर्पज़ क्या होता है ये हमें जानना चाहिए बच्चे आप बच्चे मेरे को सुन रहे हैं आप मुझे बताएंगे अक्सर आप शेयर करना चाहते हो आप सिर्फ़ अपना मन का मन की बात हल्की करना चाहते हो मैं कल एक अट्ठाईस साल की बच म, बच महिला से बात कर रही थी आ, वो टले ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन मुझसे ले रही थी और वो मुझसे कहती हैं कि मैं सिर्फ आपसे तब तब बात करती हूँ जब मेरा मन भरा होता है जब मुझे कोई समझ में नहीं आता मैं किससे शेयर करूँ तो मैं आपको कॉल करती हूँ मुझे आपसे ये काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए बहुत क्लियर बहुत स्पेसिफिक कि वो सिर्फ शेयरिंग करना चाहती हैं बर्डन लाइट करना चाहती हैं सो so बच्चों को भी सबसे पहले तो बर्डन लाइट की फीलिंग चाहिए कि जो वो कोतहाल तो अंदर महसूस कर रहे हैं जो वो सेल्फ डाउट अपने अंदर महसूस कर रहे हैं जो वो डर उनके मन में पनप रहा है वो डर की बात किसी से कर पाते हैं क्योंकि जब हम डर की बात किसी से कर पाते हैं तो हमारा डर कम हो जाता है अब जब डर की बात वो किसी से करते हैं तो वो जो कौन सुनने वाला है वो क्या करता है उनके डर की बात से क्या वो उनके डर को मिथ्या मानता है क्या वह उनके डर का मजाक करता है या वो उनके डर को हकीकत मानते हुए ये कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूं तो मैं डर लग रहा है एग्जाम्स के लिए सबको डर लगता है लेकिन एग्जाम के डर पर काबू पाया जा सकता है सो so, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम बड़े बच्चों को सुनने का प्रयास करें सही मायने में तो बच्चे अपनी बात को कह पाएंगे बच्चे डर जाते हैं कि मेरी बात को समझाई नहीं जाएगा मेरी बात पे मुझे जज करा जाएगा मेरी बात पे मुझे डांटा जाएगा मेरी बात पे मुझे सवाल किया जाएगा कि तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो तो ये सब चीजें जो हैं ये बच्चों को अपनी बात हमसे कहने में रोक देते हैं तो हमें पहले अपने अंदर भी ये चेंज लाना होगा ताकि बच्चे खुल के अपने मन की बात कह सके एग्जाम से पहले रात का डर डर क्या होता है भाई जब तुमने तैयारी की तो डर कहाँ से आ गया ऐसा नहीं होता मुझे आज भी इस कमरे में भी अगर चूहिया नजर आ जाएगी तो शायद मैं चीख के उठ पड़े होंगे मुझे डर लगता है चूहे से सो डर एक रियल भावना है एक रियल इमोशन है इसका मजाक नहीं हो सकता है सो बच्चे डर की बात निडर डर कह सके ऐसा हमने माहौल घरों में बनाना है स्कूल में बनाना है जैसा कि आपने कहा ये डर आज भी हम फील करते हैं मुझे भी चिपकलियों से डर लगता है और मैं आज भी चीख पड़ती हूँ सो इट्स वेरी कॉमन एज की बात नहीं है ये राइट मैम वी हैव अनदर लाइव क्वेश्चन हाउ इम्पॉर्टेंट आर अदर एक्टिविटीज लाइक वॉचिंग टीवी प्लेइंग योगा एक्सेट्रा ड्यूरिंग द एग्जाम्स वैशाली गुप्ता फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश टू नो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ को मॉडरेशन में किया जाए किसी भी चीज़ की अति नहीं हो सकती पढ़ना और सिर्फ पढ़ते ही रह जाना नहीं भाई वो भी नहीं चाहिए सो so, आप खेलिए जरूर से पढ़िए जरूर से थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए जरूर से सहेलियों से बात कीजिए घर वालों के साथ बात कीजिए हल्का फुल्का आधा पौन घंटा का टीवी वी देखिए जो आपको अच्छा लगता है आपको बुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अच्छा लगता है या तारिक मेहता का उल्टा चश्मा देखना अच्छा लगता है या आप सारा भाई वर्सेज सारा भाई देख के खुश होते हैं मतलब जिसको किसी को कपिल शर्मा के बार बार शोज देख के बड़ा मजा आता है जो भी आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है आध पौन घंटा जी भर के देखिए लेकिन खाना और टेलीविजन साथ मत कीजिए ना खाने का मज़ा ना टेलीविजन का मजा आंखों को रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है किताबों में आंखें जब गढ़ाते हैं या टेली या लैपटॉप की स्क्रीन पे आँखें गढ़ाते तो आंखें भी थक जाते हैं तो आंखों को ब्लिंक करते रहना है आइज़ की एक्सरसाइज करनी है सर्वाइकल की ये नेक एक्सरसाइजेस करनी है स्ट्रेचेज अच्छे से लेने हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन होती रहे फिंगर मूवमेंट्स देते रहने हैं ताकि फिंगर्स जो हैं आपकी पेंसिल या पेन की ग्रिप को अच्छे से ले सके आपका बॉडी पोस्चर सही रहने चाहिए इसलिए पैंतीस चालीस मिनट के बाद खड़े हो जाए पैरों की उंगलियों को इस तरीके से हिलाते रहे सो इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ योर फिजिकल एक्सरसाइजेस योर गेम्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज योर फैमिली बॉन्डिंग एक्टिविटीज एंड योर स्टडीज अलॉन्ग विद दिस ऑफ योर डाइट बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें पानी कितना पीते हैं पूरे दिन में कम पानी से बात नहीं बनेगी ज़्यादा पानी से भी मुलाकात नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर तो वॉशरूम में ज़्यादा बैठेंगे मगर हाइड्रेटेड ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है हाइड्रेटेड ब्रेन जो है वो लर्निंग अच्छे से करता है जब पानी की मात्रा कम होती है तो ब्रेन साइज कम हो जाता है सो कोशिश कीजिए सही मात्रा में आप पानी पीते हैं पेट भर के नहीं खाना है इतना नहीं कि खाना यहां तक हो तो आप स्मॉल पोर्शन में फ्रीक्वेंटली खा सकते हैं फ्राइड खाना अवॉइड कीजिए मसालेदार खाना अवॉइड कीजिए क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है डाइजेशन में जब प्रॉब्लम होती है तो आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे जलन का एहसास हो रहा है हिचकियाँ आ रही हैं वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाइए सो हल्का फुल्का दाल चावल हरी सब्जी जो आपके आस की सीजनल सब्जियाँ हैं वो खाइए शौक में संडे को थोड़ी सी चीटिंग कर लीजिए पिज्ज़ा अच्छा लगता है या मोमो अच्छे लगते हैं अब मैं सब चीज़ों के लिए मना नहीं करूँगी लेकिन इनका सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में कीजिए और काफी काफी दिनों के बाद कीजिए जरा हफ्ता भर अच्छे से पढ़ाई की थी आपने जो आपने टू डूज बनाए थे उनको अचीव किया तो सेलिब्रेट कर लीजिए इस तरह का खाना खा के कि मन भी खुश हो जाए गिल्ट भी ना आए और फिर मंडे से फिर जुट जाइएगा तो संडे को छोटे छोटे पर्व मनाते जाइए पर्व किस बात का वो कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट की पीक को पर चढ़ने के लिए छोटी छोटी पीक से होके जाना पड़ता है तब आप माउंट एवरेस्ट तक पहुँचते हैं तो हर हफ्ते की छोटी छोटी पीक को जब आप अचीव करते हैं तो अपना मनमाफिक का खाना खा लीजिए लेकिन सुबह से रात तक मनमाफिक खाते रहेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी सो माई डियर चिल्ड्रेन टेक केयर ऑफ योर डाइट हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स दही जरूर खाइए लस्सी जरूर पीजिए जो रीजनल फ्रूट्स हैं आपके लोकल फ्रूट्स के जूसेस जरूर लीजिए गर्मी से बचिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि समय आपकी सेहत को मैनेज करने में नहीं जाना चाहिए वो समय आपकी पढ़ाई में जाना चाहिए मैम थैंक्स फॉर द टिप्स हमारे लिए भी काम आने वाले हैं ये सारे टिप्स मैम मैम आजकल देखा गया है कि आ, एंग्जाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स कॉमन हो गए हैं पहले भी हुआ करते होंगे बट पहले लोग ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते थे अभी मेंटल हेल्थ इज बिकम अ टॉपिक पहले की तरह स्टिग्मा नहीं है एक दैट्स वाई थेरेपिस्ट आर इन्वॉल्व एंड काउंसल आर इन्वॉल्व तो पैनिक अटैक अगर किसी को आए तो इसके मतलब क्या रीजन हो सकते हैं और क्यों होता है ऐसा कुछ देखिए पैनिक अगर हम पैनिक वर्ड को समझने की कोशिश करें तो पैनिक से हमें यह समझ में आता है कि मेरा डर बेकाबू हो जाता है एक बेकाबू सा डर जो है वो मेरे अंदर घबराहट ले आता है ये तो नहीं हो जाएगा ये तो नहीं हो जाएगा ये तो नहीं हो जाएगा अगर ये हो गया तो सो मतलब मैं अपने डर की सुनामी से एकदम ध्वस्त हो जाती हूँ सो डर की सुनामी विचार से उठती है सो पैनिक को कम करने के लिए पहले अपने विचार को काबू करना पड़ेगा सो विचार का तोड़ विचार ही है और विचार का तोड़ कैसे लाते हैं जब बच्चे पढ़ रहे हैं मैं एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंग्जाइटी सही एग्जामिनेशन पैनिक को जोड़ते हुए आपको बताना चाह रही हूँ अगर एग्जाम अच्छा ना हुआ तो अगर जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो आउट ऑफ कोर्स आ गया या ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया मैंने तो दो गाइड से ही सारे सवाल किए अगर किसी और का क्वेश्चन आ गया तो अब ये सब हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनसे आपका डर बढ़ रहा है सो so, मरने से पहले भूत नहीं बनते हैं

पॉजिटिव थॉट से कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कैसे नहीं आएगा यार आएगा चार गाइड से कर ली अब चार गाइड की बियॉन्ड कौन सा क्वेश्चन चला जाएगा सो फॉर एवरी नेगेटिव थॉट दैट मेक्स यू फील लो और नेगेटिव अब बराबर से अपना पॉजिटिव थॉट ला रहे हैं जो आपको इतमान देगा और पैनिक स्टेट में नहीं जाने देगा लेकिन फिर भी अगर हम पैनिक स्टेट में चले गए तो कोशिश कीजिए कि उस पैनिक की स्टेट में जब रेस्टलेसनेस बढ़ती जिसको हम घबराहट कहते हैं उसमें बैठ जाइए पानी पीजिए सांस वो कहते हैं ना ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए डीप ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए पांच सात मिनट लगेंगे इस उलझन से बाहर निकलने के लिए आप बैठना भी नहीं चाहेंगे कुर्सी को पकड़ के बैठ जाइए क्योंकि आपका मन करेगा कि बैठने से उलझन हो रही है आप चलेंगे तेज़ तेज अगर कोई आपका प्रियजन आपके पास है तो वह आपके हाथों को सहलाते हुए आपकी कमर पे हाथ रखते हुए आपके साथ अच्छे मीठे अल्फाजों का इस्तेमाल करते आपको बिठाते हैं आप कुछ पी लें आप कुछ मुंह में डाल लें कुछ गुड़ डाल लें कुछ चीनी डाल लें कुछ अंगूर का दाना डाल लें केला खा लें इस तरीके से अगर आप बैठें और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें तो आपको थोड़ा सा आराम आ जाएगा अगर इसके भी आराम नहीं आता तो फिर किसी डॉक्टर को दिखा के हल्की फुल्की से आप दवा ले सकते हैं यह ऐसा मर्ज है जिसका इलाज फटाफट हो जाता है लेकिन मर्ज को पहचानना बड़ा जरूरी है और स्टेजेस पर इसका इलाज होता है पहले तो हम अपने विचारों से करेंगे और विचार का काम तो बाद में भी आएगा दवाई के साथ भी आएगा लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले ही विचार का तोड़ विचार से निकाल लें तो वो इतना एक्सट्रीम पैनिक अटैक में नहीं जाएगा दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर people who have suffered this, ma'am. Thank you so much. Uh, नया सवाल आया है अभय शर्मा इंदौर से काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है मैम कई परिजनों द्वारा बच्चों को सुबह सुबह पढ़ने पर जोर दिया जाता है सुबह की पढ़ाई करना किस प्रकार से बच्चों के लिए ज़रूरी है या यह सिर्फ एक कहानी है uh, ये कहानी मैंने भी अपने बचपन में सुनी थी कि सुबह का याद किया हुआ हमेशा साथ देता है तो मैं इसे आज के दौर में कहानी मानती हूँ क्योंकि मैंने भी शुरुआत की पढ़ाई सुबह से करती थी और जब तक मैं ट्वेल्थ के बोर्ड्स दे रही थी और कॉलेज की पढ़ाई थी मैं भी रात पे आ गई थी सो so, मैं यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कहीं पर भी कोई रिसर्च स्टडीज हमें नहीं बताती हैं लेकिन एक इंडिविजुअल डिफ्रेंसेस हैं कुछ लोग सुबह ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन दे पाते हैं उनके जो कहते हैं ना एक्टिवनेस जो है वो मॉर्निंग से इंक्लाइंड होती है कुछ लोग हैं वो रात के बाशिंदे हैं उनको रात को वो ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट होते हैं तो एज अ पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल मुझे अपने व्यक्तित्व को पहचानना है कि मैं सुबह के टाइम पे मेरे अलर्टनेस ज़्यादा होती है या रात के टाइम पे शाम के बाद मेरी संध्या काल में मेरी अलर्टनेस ज़्यादा होती है वो पहचानने के बाद आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पढ़ाई को सिंक कीजिए तो आपको अति उत्तम रिजल्ट्स मिलेंगे दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट यू एव सैड बिकॉज मुझे भी हमेशा बोला जाता था मैं रात के ढाई बजे ही आई यूज टू बी द मोस्ट एक्टिव पर्सन कुछ लोग मॉर्निंग पीपल होते हैं morning. कुछ लोग uh, रात के हिसाब से चलते हैं दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक् मैम एग्जाम्स के बाद का जो स्ट्रेस होता है कि रिजल्ट आने वाले हैं एंड लोग बात कर रहे हैं और लोग मार्क्स चेक कर रहे हैं उस बीच का टाइम बिताया कैसे जाए सो so दैट कहते हैं ना फल की चिंता नहीं करो <laughs> कर्म कर चुके हो कर्म कर चुके। तो बिल्कुल बस यही एहसास लेना पड़ता है कि अब कर्म कर चुके हैं अब ये तो वो कहते हैं ना ये तो हम लांग आए अब पीछे देखने अब आगे क्या क्या लांघना है तो उसका अगर रास्ता समझने में समय लगाएंगे उन वो क्या विभिन्न रास्ते हो सकते हैं जिन पे हम जा सकते हैं उन मैदानों का अगर हम चिंतन मनन शुरू कर देंगे तो रिजल्ट का चिंता रिजल्ट की चिंता कम हो जाएगी अगर हमारे पास आगे देखने के लिए और कुछ नजर आ जाएगा और बच्चों को मैं साथ साथ माता पिता को भी कहना चाहूंगी कि बच्चों के पूरे भविष्य को उनके नतीजों के साथ मत जोड़िए बच्चों के पास ऑप्शंस प्रेजेंटेड रखिए अपने सोच में ऑप्शंस रखिए ये नहीं कर पाएगा तो ये हो जाए ये कर पाएगा और अब तो और भी अच्छा है कि ट्वेल्थ के मार्क्स के बाद ट्वेल्थ में जो भी मार्क्स आएंगे वो आपका एक स्कूल एग्जामिनेशन की क्लोजिंग मार्क्स हैं ये लेके हम निकल रहे हैं इन दी वर्ल्ड आउटसाइड सो so, सिर्फ ये तो जमा पूंजी हमारे साथ जा रही है अब आगे हमने और इन्वेस्टमेंट्स करनी है मतलब हमने एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है या और कितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ले रही हैं तो फिर एक नया मैदान है हमारे लिए दौड़ने के लिए तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए आपने और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है लॉ स्कूल्स के एग्जाम्स अलग से है जर्नलिज्म के एग्जाम्स अलग से हैं नीट के अलग से हैं और कितने सारे एग्जाम्स हैं सब अलग है तो आपके पास इतने विभिन्न मौके हैं एक छूटता है तो दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा तो मतलब हौसले पस्त नहीं होने चाहिए बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए ये तो जो तक पढ़ा उसकी जमा पूंजी का एक एक सर्टिफिकेट है ये एक बस इतनी ही इसकी इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं है ये लर्निंग आपके साथ है इतनी इंपॉर्टेंस जब मैं बोलती हूं तो मैं इसको छोटा नहीं कर रही लेकिन मैं इसके साथ जो फियर्स आप जोड़ते हो सिर्फ उसको कम कर रही हूं डेफिनेटली ये आपकी नींव की एक ईंट है नींव एक ईंट से नहीं बनती है कई ईंटों से बनती है लेकिन हर ईंट की नींव में इंपॉर्टेंस होती है तो ये आपकी नींव नींव की एक ईंट है है तय हो गई है, अब इसके ऊपर अगले फ्लोर्स तय करने हैं आप मैम आपको लगता है कि आजकल क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा है बच्चों में क्या तरीका है जानने का कि हमें करना क्या है एंड इज इट ओके अगर हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है इज दैट ऑल्सो फाइन देखिए चॉइसेस जब ज़्यादा होती हैं तो कंफ्यूजन तो होती है अगर मैं अपना बचपन याद करूं तो बर्थडे वाले दिन दो आइसक्रीम की चॉइस होती थी उन दो में से एक आइसक्रीम चुननी होती थी तो बहुत आसान होता था अब अगर आज आप एक बच्चे को आइसक्रीम पार्लर में ले जाए तो वो एक आइसक्रीम की तरफ देखता है तो एक सेकंड तो लेगा ना चुनने में और माता पिता कहते हैं जल्दी बता कौन सी खानी है वो जो ऑर्डर कर लेता है उसके बाद भी उसकी नज़र दो पे जाती है और बिल कटते कटते कहता है पापा ये नहीं ये वाली सो so, when वी हैव सो मेनी ऑप्शंस इट डेफिनेटली लीड्स टू मोर confusions बट एट द सेम टाइम सो many options also गिव us एन एश्योरेंस दैट आई हैव नथिंग टू लूज सो ऑप्शंस को इत्मीनान बनाइए ऑप्शन से अपने डर को कम कीजिए और नहीं पता वो भी बहुत अच्छा है अब पता कर लेंगे दसवीं के बच्चे पंद्रह सोलह साल के बच्चे को सब कुछ कैसे पता हो सकता है हमारे पास इतने रोल मॉडल्स हैं जो एक प्रोफेशन एक आईएएस सिंगर बन जाता है एक डॉक्टर फिल्म एक्टर बन जाता है एक डॉक्टर कितना ए, 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 फेमस सिंगर बन चुका है एक एक मकाम पर पहुंच के हम अपना चॉइस बदलते हैं तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक तो नहीं है लेकिन अननेचुरल भी नहीं है जब आपके मन में जो घंटी बचती है उस घंटी को ध्यान से सुनिए उस घंटी को ध्यान से सुनने का मतलब उसके बेसिस को समझने की कोशिश कीजिए कि अब जो मेरा मन कर रहा है वो क्यों कर रहा है अस्थिरता नहीं चाहिए लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन भी कभी ना कभी जरूरी होती है लाइफ में कि जिज्ञासा बड़ी जरूरी है जिज्ञासा से एक्सप्लोर कीजिए और सही मुकाम का चुनाव कीजिए तो ऑप्शन का फायदा ये है कि ये नहीं तो ये सही आपकी लाइफ में इसमें ना

छोटे वाले पहले आ रहे हैं धगा धक दग वो लिख दो बड़े वाले के पॉइंटर्स आ रहे हैं वो लिख दो जहां पे पेन अटकता छोड़ दो आगे चले जाओ रुकना नहीं है आपकी गाड़ी जो है वो राजधानी की क्या इस वक्त तो उससे भी हाई स्पीड ट्रेन हमारी सरकार चला रही है उसी स्पीड पे आपका पेन चलना चाहिए जहां पर धीमी गति हो रही है वहां छोड़ दो अगले पे आ जाओ वो अगले पे आ जाओगे अगले को करने का जोश जो होता है ना वो पुराना जो भूल गए थे वो भी जहां अटके थे वहां पे वापिस पहुंच जाओगे वो याद आ जाएगा सो

जो डर है ना वो हमारी सोच से आता है हमारी विचारधारा अब जैसे मैं इस प्रोग्राम के लिए आ रही थी तो मैं भी अपने मन में सोच रही थी क्या पढ़ के जाऊँ किस तरह के सवाल होंगे तो वो मेरे मन को डर दे रहा था फिर मेरा जो एक ख्याल जो मेरे को अक्सर मेरे साथ जो काम करते हैं उन्होंने मुझे दिया कि आप हर बार तो करती हैं आपने इतने सालों से तो किया है तो अब किस बात का डर आपको आ रहा है सो मतलब सोच को सोच ही बदल देती है एक विचारधारा जो मेरे मन में आ रही थी कि किस तरह के सवाल होंगे और दूसरी विचारधारा जो मुझे मेरे सहयोगी ने दी कि आप हर बार तो करती हैं हर साल तो करती हैं सो मतलब यह है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जामिनर बैठे हैं वो मुझे डराने धमकाने के लिए नहीं बैठे हैं वो मुझ वो ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि मुझे क्या नहीं आता वो ये जानने के लिए बैठे कि मुझे क्या क्या आता है तो अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपके मन में उत्सुकता बढ़ेगी आपका मन हर्षो उल्लास से प्रफुल्लित होगा और आप उस तरीके से जाएंगे हंसी खुशी कि ये ये सब कुछ मुझे आता है सो तो अब इस तरीके से यू विल बी शोकेसिंग योर लर्निंग अगर आप दूसरी विचारधारा पकड़ लेंगे तो फिर डर जो है वो जो याद किया है जो आता है उसको भी शैडो कर लेता है सो अपनी विचारधारा को जितना पॉजिटिव बना के जाएंगे उतना ही अच्छा और मान लीजिए जब आप ये बता रहे हैं कि मैं ये सोच से भी जाते हैं कि मुझे जो कुछ आता है मैं सब बताऊंगा, कुछ भूल भी सकते हैं अगर कुछ भूल गए तो बोल देंगे नहीं याद है भूल गए जो आता है बाकी सब कुछ आता है सो मतलब अपने आप को अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए गलतियाँ हम सब से हो जाती हैं हम सब परफेक्ट इंडिविजुअल्स नहीं हैं हम सब इम्परफेक्टली परफेक्ट हैं तो अपनी इम को भी अपनी परफेक्शन का हिस्सा मानते हुए सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ाइए जितनी आप सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही अपने आप आपका कौशल बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सक्सेस तो लाजमी है आपकी झोली में आएगी ही आएगी परीक्षाओं के आधार पर बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों का आंकलन करना चाहिए ऋषभ कौशिक मैम बिल्कुल तो नहीं करना चाहिए और कौन करता ये आंकलन अगर प्री बोर्ड्स की परीक्षाओं पर आंकलन होना होता बेटा तो बोर्ड की परीक्षा क्यों होती प्री बोर्ड्स तो एक वार्म है आपने भाग के देख लिया कि भैया 100 मीटर की रेस में इस वक्त ढाई मिनट में करता हूं अब 100 मीटर की रेस में ढाई मिनट से जीत नहीं सकता तो मैं दोबारा दौड़ूंगा तिबारा दौड़ूंगा जो प्री बाउट के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप बोर्ड में उस सौ मीटर की रेस में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके सो प्री बोर्ड तो आपके प्रैक्टिस राउंड्स हैं इसलिए वहां से आपके रिजल्ट्स की प्रिडिक्शन कभी कभार कोई कर ले तो कर ले फोरकास्टिंग कंफर्म नहीं हो सकती वो तो जब आप बोर्ड का इम्तिहान लिखेंगे और उस पर जब आपके मूल्यांकन होगा वो वहीं से तय होगा मैम टू एंड दिस सेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि फेलियर को कैसे हैंडल करें स्पेशली फेलियर में क्या होता है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे वो सोच सोच के ना और ऐसा होता नहीं है हमेशा कि वैसे ही रिजल्ट्स आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इन सिचुएशन ऑफ फेलियर हम क्या करें इस बारे में देखिए फेलियर होना भी लाजमी है क्योंकि फेलियर भी लर्निंग लाता है वो कहते हैं ना या मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ मैं हारता कभी नहीं सो so, हम फेलियर्स को किस नज़र से देखते हैं थॉमस एडिसन ने भी लैम्प ये बल्ब बनाने से पहले कितने अटेम्प्ट्स किए थे और जब उनका घर जल गया और जब वो अपने घर जले हुए घर के आगे खड़े थे अपनी पत्नी के साथ तो पत्नी ने इस चीज़ के लिए बहुत तनाव में उनसे कहा कि कितना नुकसान हुआ तो उन्होंने इतने इतमान से कहा कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ मेरे सारे फेलियर जल गए मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा तो हौसले में बड़ी ताकत है हौसले की जो ताकत है वो हर तकलीफ में दवा का काम देती है तो फेलियर नुमा तकलीफ में भी अगर आप हौसले को पकड़ के चलेंगे और विश्वास को पकड़ के चलेंगे तो आप अपने इरादों के इम्तिहान में भी पास होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा में भी अव्वल नंबर से पास होंगे मैम एंड नोट के लिए आप स्टूडेंट्स को कुछ अपनी तरह से एक मैसेज देना चाहें पेरेंट्स को टीचर्स को Okay, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि जो भी करिए दिल से करिए पढ़ें तो दिल से रेस्ट करें तो दिल से खेलें तो दिल से मतलब हर चीज़ दिल से होनी चाहिए हर्षो उल्लास के साथ होनी चाहिए एक जनून से होने चाहिए जुनून के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है गिटार बजाने का शौक है तो जुनून से बजाइए पढ़ने का एक ड्राइंग करने का शौक़ है तो जुनून से कीजिएगा कुछ भी काम करना चाहते हैं उसमें जनून होना बहुत ज़रूरी है जुनून किसको कहते हैं आपकी इच्छा शक्ति की दृढ़ता को कहते हैं जुनून कहते हैं आपकी कर्मता को जुनून कहते हैं आपकी स्वप्न देखने की क्षमता को आपके आत्मविश्वास को आपके विश्वास को और यही इंग्रेडिएंट्स हैं यही सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपका साथ देंगी आपके एग्जाम्स की प्रेपरेशन में आपका साथ देंगी और कहीं ना कहीं ये यकीन आपके अंदर रहेगा कि हम अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगे मेरी आप सबके लिए मेरी ये शुभकामनाएं मेरी ये बेस्ट विशेष कि आप अपने एग्जाम्स को अपनी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा करें और आगे का फ्यूचर अपना तय कर सकें इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ नमस्कार थैंक यू सो मच मैम दिस वॉज अ वेरी नाइस सेशन बिकॉज पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी इससे बहुत कुछ सीखने मिला है आई होप यू एज एन ऑडियंस लाइक वॉचिंग वॉट वी हैड फॉर यॉल टूडे एंड प्लीज़ जुड़ते रहिएगा और परीक्षा को एक पर्व की तरह मनाने में हम जो कुछ भी कर पाएंगे हम आपके लिए करेंगे दिस इज दिव्या सिंह शर्मा फ्रॉम न्यू इंडिया जंक्शन एट एन सी पी सी आर ऑफिस एंड फॉर दूरदर्शन नेशनल साइनिंग ऑफ फॉर यू एंड टिल आर नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू सो मच